Oh, hi! Oh, kid, the bar. दोस्तों तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं आपको मेरा घर दिखाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत प्यारी होती हैं। कमेंट बार में बताना कि आपको ये मेरा छोटा सा आशियाना कैसा लगा एंड लाइक ज़रूर करना वीडियो को क्योंकि लाइक से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। सो ये जो हमारा घर है ये है टोरंटो GTA में ओंटारियो में और ये हमने ख़रीदा था 2018 में और तब से आप लोग बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं मेरा घर दिखाऊं पर फाइनली 2021 में आज वो दिन आ गया जब मैं दिखाऊंगी एंड यस प्यारा सा छोटू सा मेरा घर है। मैंने कोशिश की है चीज़ों को अच्छी तरह लाइक अरेंज करने की सो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ कम नर्वस feel alive and I don't know how. If I'm honest, I don't care to figure it out. Cause I'm on one every time I feel that power. सो प्यारे दोस्तों इस द्वार से हम आते हैं घर की तरफ। घर के अंदर आते ही ये साइड पर मैंने चाबियों को लटकाने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा पीस लगा के रखा है। इसमें आप चाबियां भी लटका सकते हैं और इसमें आप लेटर्स भी रख सकते हैं। सो उसी के साइड में ये ब्राउन लेदर का एक चेस्ट है जिसमें आप बैठ के शूज़ पहन सकते हैं और इसके साथ ये हल्का फुल्का सा डेकोर है एंड एक प्लांट भी रखा है मैंने। सो इसके सामने ही ये बहुत ही बड़ी ग्लास की क्लॉज़ेट है जिसमें हम शूज़ रखते हैं, कोट्स रखते हैं या सीजनल चीज़ें, टोपियाँ रख देती हूँ मैं, सॉक्स रख देती हूँ। और इसी के बिल्कुल सामने पाउडर रूम है जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हैं। ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम है, पाउडर रूम बोलते हैं कैनेडा में। सो ये एरिया हो गया है कवर। इसी के आगे अंदर आते हुए आपको ऐसा व्यू मिलेगा। ये है हमारा फॉर्मल लिविंग रूम जिसमें आप जिन दोस्तों के साथ फॉर्मल है उनको यहाँ पे बिठा सकते हैं। यहीं पे हमारा ये डाइनिंग टेबल है, फॉर्मल डाइनिंग टेबल जिसको हम रेयरली यूज़ करते हैं, आपने कभी कभी मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा। और यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा रखा है, एक बफे है जिसमें मैंने मेरी अच्छी क्रॉकरी रखी है, चाइना रखा है। सो बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सा डिकोर है इसका। वॉल पे मैंने कुछ फ्रेम्स एंड बहुत अच्छे से प्रिंट्स लगा के रखे हैं एंड ये एक बहुत ही प्यारा वुड का टेबल है जिसको मैंने होमसन से लिया था। इसके ऊपर ये क्यूट सा गोल्ड का लैम्प है एंड एक प्लांट है। और दोस्तों तो आजकल मुझे ये एरिया भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, यहाँ पर बैठ के भी मैं किताबें पढ़ती हूँ और आत्मचिंतन करती हूँ क्योंकि आत्मचिंतन करना मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। ये वाला जो काउच है पहले वहाँ पे हुआ करता था। एक्चुअली इसके बिहाइंड एक स्टोरी है, जब हमने ये काउच हमें पसंद आया था तो हमने इसी एरिया में रखने के लिए लिया था कि यहाँ पे डाइनिंग है, यहाँ पे सिटिंग एरिया, क्योंकि ये रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 6 बंदे का डाइनिंग टेबल, हमारा बफे, फिर भी खुला प्लेस है, ये सोफ़ा भी यहाँ पे आ जाता है ताकि जब भी कोई फॉर्मल लोग आते हैं जिसको हम अपने घर के अंदर तक घुसाना नहीं चाहते तो उनके यहाँ पे बैठ बैठ के गपशप करें और वो चले जाए। सो हुआ यूँ कि ये सोफ़ा यहाँ के लिए लिया था तो हमने एक छोटी सी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज़ की, आई थिंक 10 बंदे हो गए थे टोटल। तो हमने उस दिन इसको उठा के वहाँ पर रख लिया हमारे फैमिली रूम में, तो हमें बहुत मज़ेदार लगा कि वाह बड़ा मज़ा आ रहा है। तो हम इतने लेज़ी थे कि उसको हमने वहाँ से उठा के यहाँ पर नहीं रखा। सो ये इसकी बिहाइंड द स्टोरी है, अब हमने उठा के रख दिया है कि ज़्यादा लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है, ये यहीं को बिलोंग करता है। सो इस एरिया का ओवरव्यू कुछ इस तरह का है, बहुत ही प्यारा ओपन सा कॉन्सेप्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा दीवारें नहीं होने की वजह से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है। सो एक्चुअली बड़ा है, मुझे लगता है हम तीनों के लिए मोर देन इनफ है। एंड यहाँ पे है हमारा बहुत ही प्यारा क्यूट सा फैमिली रूम जिसमें हम ज़्यादातर समय स्पेंड करते हैं। सो इसमें ये एल शेप का सेक्शनल सोफ़ा लगा के रखा है ब्लू, जो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी समय पहले लिया था। हम कोई नया सोफ़ा लेने के बारे में प्लान कर रहे थे पर मुझे लगा कि वी आर डूइंग गुड विद दिस, कि जब तक चलता है अच्छा है। एंड इसके ऊपर मैंने बहुत ही क्यूट सा वाइट ऑफ वाइट कलर का कुशन्स रखे हैं, एक थ्रो ब्लैंकेट रखी है एंड साइड्स पे ये बहुत ही प्यारे वुड के
चेस्ट है या साइड टेबल्स हैं, ये मैंने किसी एंटीक स्टोर से लिए थे। मुझे वुड की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो टी टेबल है ये भी बहुत ही रॉ किस्म का टेबल है। ये हमने होम सेंस से लिया था। इसके सामने है ये बुक शेल्फ जिसपे मैंने आलतू फालतू चीज़ें रखी हैं, क्यूट क्यूट से प्लांट्स रखे हैं एंड मेरी बुक्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड ये एक प्लांट साइड पे भी पड़ा है। एंड देन ये है हमारा टीवी एंड यहाँ पे हमने एक प्यारा सा क्यूट सोफ़ा चेयर लगा के रखी है। सो इसी तरह हमारे ये लिविंग रूम का डेकोर कंप्लीट होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड ईजी। Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I do. So, अब बारी आती है हमारी किचन की। हमारी किचन बहुत ही ज़्यादा सिंपल, प्यारी एंड क्यूट है। मुझे चाहिए था कि जो फॉर्मल सिटिंग रूम है एंड डाइनिंग रूम है, किचन उससे थोड़ी हिडन हो। सो ये जो वॉल है जिसके आगे बफे पड़ा है, इसकी वजह से थोड़ा सा हिडन होगी मेरी किचन। एंड जो भी किचन में मैं चीज़ें करती रहती हूँ वो दिखती नहीं है, क्योंकि हम जो देसी फूड कुक करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारी फैल जाती हैं, क्योंकि एक ही तो चीज़ करेंगे नहीं हम, एक कोर्स का मील तो बनाते नहीं है, तरह तरह की डिशेज़ बनाते हैं, फलाना तिमकाना, तो बहुत गंद पड़ जाता है। तो मेरा हमेशा कोशिश थी कि मेरी जो किचन है थोड़ी हिडन हो। सो इस घर ने वो पूरी कर दी एंड इस तरह मेरे घर का लेआउट हो गया यहाँ से। अब ये है फैमिली रूम। फैमिली रूम के भी इस तरफ थोड़ी सी वॉल है जिसकी वजह से मेरा जो ईटन किचन है वो भी थोड़ा हाइड हो गया, और जब कोई फैमिली रूम में भी आके बैठता है तब भी मेरी किचन थोड़ी सी हाइड रहती है बिकॉज ऑफ दिस पोल एंड ऑल्सो दिस वॉल। एंड आपको तो पता ही है कि जब मेरे घर में कोई आता है तो मैं कैसे पकवान बना के खिलाती हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और जब मैं इस घर में पहली बार आई थी मुझे ये घर बहुत क्यूट लगा था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे घर देखे थे, मेरा किसी पे दिल नहीं आ रहा था। इस पर मेरा दिल आ गया और मुझे लगा कि आज ही मुझे ये चाहिए, और किस्मत हुई कि हमें उसी दिन ये घर मिल गया। सो किचन का साइज़ अच्छा है एंड ये है ब्रेकफास्ट एरिया जिसे हम बहुत ही किस्मत वाले दिन यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इससे मैं यूज़ करती हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए और बैठ के ईमेल्स के रिप्लाई करने के लिए। और इसी डोर से आप निकल के बैकयार्ड की तरफ जा सकते हैं, आपने मुझे कई बार देखा होगा। एंड यहाँ पे हमने बारबेक्यू रखा है, दो डिफरेंट काइंड के, एक कोयले वाला है एक नॉर्मल है, और हम बैकयार्ड में काफ़ी समय स्पेंड करते हैं अच्छे मौसम में, ठंड में नहीं। उसके बाद आप अंदर आ जाएंगे और आपको ये नीचे वाले फ्लोर का व्यू कुछ इस तरह है, शाइनी। अब मेरा फ्लोर देखिए कितना शाइनी है, कितना चमका के रखती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा क्लीन रखती हूँ मैं अपने घर को। ओके, आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीन किया है। सो, ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर की तरफ जाती हैं, ये आपको लेके जाएंगी सेकंड फ्लोर की तरफ जहाँ पे हमारे रूम है। सो, इस घर में चार रूम है, एक हमारा मास्टर बेडरूम है, एक हिम्मत का रूम है, एक गेस्ट रूम है, और एक रूम को मैं एज आ यूज़ करती थी स्टूडियो, पर अब उसे भी हमने बेडरूम ही बना दिया है। सो, ये प्यारी सी वुड की बहुत ही क्लीन सी सीढ़ियाँ हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये। एंड ये है हमारा हॉलवे जिस में सारे दरवाजे हैं, सारे कमरों की तरफ जाते हैं। दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपस्टेयर्स। ये वाला जो रूम है इसे मैं पहले यूज़ करा करती थी एज अ स्टूडियो एंड ऑफिस। यहाँ पे मैं मेरी वीडियो शूट करती थी एंड वीडियो को एडिट करती थी। मोस्ट ऑफ द डे यहीं पे स्पेंड करती थी मेरा, बेशक मैं कोई काम करूँ या ना करूँ, पर यहाँ पे बैठ के वो तीन बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, वहाँ से मुझे बाहर देखना और विजुलाइज करना चीज़ें, या फिर मेरी जर्नलिंग करना, सारे काम मैं यहीं पे करती थी। और बहुत ही प्यारा रूम लगता है मुझे, इतना प्यारा लगता है कि मैं सारा दिन यहीं पे बिताती थी। सो, जब इस रूम से निकल के हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे है एक प्यारा सा वॉशरूम, फुल वॉशरूम है ये, यहाँ पे नहा सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, जो मैंने पेंटिंग्स बनाई है खुद से वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। और वैसे ये हिम्मत से यूज़ करता है, या अगर कोई हमारे घर में गेस्ट आए वो भी इसे यूज़ करते हैं। सो यस, ये है वॉशरूम।
ऑलराइट दोस्तों, ये है हमारा गेस्ट रूम जो कि आपने पहले भी बहुत बार मेरे चैनल पे देखा होगा क्योंकि कई सारी वीडियोस मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। एंड जब मैंने इस रूम का मेकओवर किया था उसकी वीडियो भी मैंने शूट की थी। उससे पहले ये रूम काफ़ी ज़्यादा डल अजीब गरीब लगता था, पर उसके बाद इसे मैंने पूरा प्यारा एंड वाइट बना दिया है एंड बहुत ही प्यारा है। जो भी हमारे दोस्त हमारे घर रहने के लिए आते हैं उनको ये रूम बहुत अच्छा लगता है। सो यस, लगता है मोस्टली इसका डेकोरेशन भी मैंने ही किया है क्योंकि इस घर का कलाकार बंदा मैं ही हूँ। डेकोरेशन से मतलब है, डेकोरेशन तो मैं ही करूँगी, मेरा मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ें मैंने DIY की हैं, पेंटिंग की है, जो भी मैं इधर उधर से चीज़ें इकट्ठा कर सकती हूँ उसको करके मैंने इस रूम को बहुत ही ज़्यादा सस्ता एंड मज़ेदार डेकोरेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा चिगली मिगली नहीं मैंने ऐड की है, बट या मुझे लगता है कि बहुत ही प्यारा एंड क्यूट सा रूम लगता है। उसके बाद आता है ये प्यारा हिम्मत का रूम जिसे वो ना के बराबर ही यूज़ करता है। इस रूम में बेड है, उसका डेकोरेशन है, उसकी क्लोज़ेट है, उसके कपड़े, सब कुछ उसका जो भी उसका है वो इसी रूम में होता है। जब वो उसका स्कूल ऑनलाइन चल रहा था तो यही टेबल पे बैठ के वो अपना ऑनलाइन स्कूल पूरा करता था। सो मैंने बहुत कोशिश की कि वो यहाँ पे सो जाए, पर उससे हमारे ही बीच में सोना अच्छा लगता है तो वो इस रूम को ना के बराबर यूज़ करता है। पर यार ये उसका रूम है। ओके, मैंने देखा नहीं कि गद्दी उथल पुथल हो रखी है क्योंकि आजकल हस्बैंड भी इस रूम को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने अपना ऑफिस डेस्क बना के रखा है क्योंकि जो मेरा डेस्क था उसे मैंने उठा दिया है। ऑलराइट दोस्तों, स्वागत है आपका इस रूम के सबसे खूबसूरत रूम में जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। मुझे ये रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप जानते हैं तो मैंने कई बार बताया हुआ कि मुझे अच्छी नींद नहीं आती है, इस रूम में भी नहीं आती है, पर अगर मैं कहीं और सो जाऊं घर में तो फिर मुझे बिल्कुल ही नहीं आती है। इस रूम में एक सुकून सा तो मिलता है, तो वो मेरा ये रूम है। आजकल मेरा वो प्यारा कॉर्नर है सामने जिसमें बैठ के मैं बुक्स पढ़ती हूँ, इन्जॉय करती हूँ, और वो कॉर्नर मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है आजकल। सो यस, ये है हमारा मास्टर बेडरूम। सो बारी आती है प्यारे मास्टर बेडरूम की। हमारा जो बेड है बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। मुझे आपको मैंने पहले भी बताया तामझाम वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। सिंपल वुड का बेड है, साइड टेबल्स हैं, और ये हमारा मास्टर वॉशरूम है, इन स्वीट है। इसमें दो सिंक है, पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी कि कौन पहले यूज़ करेगा। टब का साइज़ भी बहुत अच्छा है एंड इसमें शावर भी है एंड चमकदार टाइलें, मज़ेदार है हमारा वॉशरूम। एंड हिज एंड हर क्लोज़ेट भी है। जो मेरी क्लोज़ेट है पति की क्लोज़ेट से थोड़ी बड़ी है क्योंकि मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है पति के मुकाबले। सो यस, मैंने आपको दिखाया नहीं पर इस डोर के पीछे भी थोड़ा एरिया है जहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं एंड पूरा रैक बना सकते हैं, जो मैंने अभी तक किया नहीं है। हस्बैंड की क्लोज़ेट है। सीढ़ियों से जब यहाँ आते हैं, यहाँ पे है हमारी, सो ये है हमारी लिनन क्लोज़ेट जिसको मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहे। एंड इसमें थोड़ी सी क्लीनिंग सप्लाइज भी मैं रखती हूँ इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। वैसे ज़्यादा चीज़ें मैं इधर उधर फैला के रखती हूँ। एंड मेरी सिलाई मशीन भी यहीं पर है। सो ये जो सीढ़ियाँ हैं नीचे की तरफ जाती हैं। सो अब आपको एक बार फिर से क्विक सा टूर दे देते हैं पूरे घर का। Up every time, and I don't wanna be let down each road to find. I just wish I'd seen the price tag for my heart breaking. Was it worth all that waiting when I always knew just how I felt? Yeah, I'm looking back at the past and I feel regrets. Don't wanna walk on the block, see where we met. Try to forget that you went on with someone else instead. Every time, why am I always getting so attached?
I don't love ya. I can't pretend I don't miss your touch. I want you so much. Yeah, I can't go cry on your shoulder. Feel safe with you when I'm older. Just know I tried to come back for ya. I came back for ya. Maybe it's better if I never love, so I don't have to open up. And you don't have to lose my trust every time. When my heart's getting so attached, when I know that we're gonna crash. Now I wish I could take back into someone I never had. Alright, दोस्तों, सब घूम घूम के हम फिर से मेन डोर के पास पहुंच चुके हैं. इसी तरह हमारे घर का टूर होता है कंप्लीट. ये बहुत लंबे समय से वीडियो की वेट में थे आप लोग. आई होप आपको मेरा घर अच्छा लगा होगा. मेरा घर काफ़ी सिंपल सा है. मिनिमलिस्ट नहीं हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें लेती रहती हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि सिंपल रहे. लाइक बहुत ताम झाम, चमकते तारे, सितारे, बहुत ज़्यादा ग्लिटरी शाइनी चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती हैं. मुझे बहुत ही अर्थी अर्थी टोन्स अच्छी लगती हैं. ब्राउन, लकड़ी एंड ग्रीन, बेज, वाइट, ऐसे रंग. सो यस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. इस चैनल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरी डे वीडियो अपलोड करें. आई नो पिछले 3-4 दिन मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, वो इसी वजह से कि मैं इस वीडियो की तैयारी में थी एंड थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी. गाइस, आपको पता है मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है तो मुझसे कुछ नहीं होता है. अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे नन्ना सा बता देती हूँ कि मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. जब मेरी बॉडी फ्लेयर में आती है तो मैं उठ भी नहीं पाती हूँ बेड से. यस, मैं उसकी भी वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं जब अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और मेरी दिनचर्या को नॉर्मल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करती हूँ. पर मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रही हूँ इस समय, आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, तो आप समझ पाएंगे कि इसलिए मैं नहीं कर पाई. पर मैं करूँगी, ज़रूर ज़रूर करूँगी. सो कमेंट बार में बताना कि आपको मेरे घर का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आई लव यू गाइज सो वेरी मच. बाय.